Good evening, ladies and gentlemen, sisters and their brothers, definitely not mine. Kaise hain aap? Welcome to a brand new episode of PollBaazi. Ah, that smile. Maza aata hai wo smile dekhkar. Yes, bahut bahut shukriya. Kahan thi tum Vidhi? Humne tumhe bahut miss kiya. Itne din kidhar gayi thi batao? Aunty, maine aapko bilkul miss nahi kiya. Kahan gayi thi batao? Main chutti pe gayi thi apne friends ke saath. फ्रेंड के साथ? सारे फ्रेंड के नाम बताओ हमें, हम लिखेंगे. बताओ. नहीं, मैं छुट्टी पे गई थी फैमिली के साथ, मम्मी पापा भैया ताऊ. तू इनके साथ तुम हमेशा रहती हो, तुम हमारे घर आती अपनी छुट्टी बनाने, हम तुम्हें सरसों का साग खिलाते, बहुत बढ़िया, बहुत मजा. ऐसी छुट्टी चाहिए लाइफ में मुझे. इन केस यू आर वंडरिंग मैं कौन ये कौन, मैं हूँ विधि, इस शो की होस्ट, आपकी दोस्त. ये है पुष्पा आंटी, आ जाती है एक्सपर्ट बनकर. पुष्पेश्वरी परमेश्वरी आंटी, पूरा बोला करो जी. सर चलो, और भाई पोलबाजी में होने क्या वाला है आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैं आपसे पूछने वाली हूँ आठ बहुत ही आसान सवाल. हर सवाल के होंगे तीन इंटरेस्टिंग ऑप्शंस, 10 सेकंड के अंदर आपने अपना जवाब टैप कर देना है. अब जवाब सही है या गलत ये जनता ही डिसाइड करेगी, क्योंकि पोलबाजी इज ऑल अबाउट मेजोरिटी. तो आपका चुना हुआ जवाब अगर जनता के साथ मिल गया, मैच हो गया, तो वो जवाब सही हो जाएगा. आप गेम में आगे बढ़ जाएंगे. और ऐसे ही अगर आपने आठों सवालों के जवाब दे दिए, जनता के साथ बढ़ते बढ़ते 10,000 रुपए में से अपना हिस्सा जीत ले जाएंगे. क्या बात है, 10,000. विधि बहुत अच्छा हिस्सा आंटी, हिस्सा. हाँ वही हिस्सा, किस्सा, हिस्सा, किस्सा, हिस्सा का किस्सा. ओके आंटी, देर देर. ऊपर एक बहुत प्यारा दिल है जिसका इस्तेमाल आप पोलबाजी खेल में एक बार कर सकते हैं. अगर आपका कोई भी जवाब जनता के जवाब से मिसमैच हो जाता है, लाइफ यूज करके गेम में बाउंस बैक कर सकते हैं. और पोलबाजी इतना मजेदार खेल है कि अगर एलिमिनेट हो भी गए ना, तो एंड तक अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं आप, मेजोरिटी डिफाइन कर सकते हैं. तो ऐसी पोलिंग करते रहिएगा एंड तक, है ना? हमारा आशीर्वाद. विधि, तुमने हमसे नहीं पूछा कि हमने क्या किया जब तुम छुट्टी पे गई थी. मैं जानना नहीं चाहती, बट आंटी अब आप बोल ही रही हूँ. क्या किया आपने? हमने लड़का ढूंढा तुम्हारे लिए. दिखाओ लड़के की फोटो, दिखाओ, नहीं दिखाओ, नहीं दिखाओ, आ ये देखो. कौन, कहाँ लड़का, कहाँ है? हाँ तुम्हें लगा होगा सर्दी तो पड़ी नहीं, इसने क्यों ये पहना है. एक अपना बहुत ख्याल रखता है, तुम्हारा भी रखेगा. अपना ख्याल रख रहा है ना ये. चलो शुरू करो गेम, तुम्हें समझ नहीं आएगा. हाँ ठीक है आंटी. ऑल राइट देन, 16,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ. प्लीज यार आप ही अच्छे लड़कों की फोटो भेज दो पुष्पा आंटी. ओके अभी दिखाएंगे, बहुत दिखाएंगे तुम्हें. चलो पोलबाजी का खेल अब हम शुरू करने वाले हैं. दिल से मेरी आवाज को सुनिए, फोन स्क्रीन को घूरिए. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है. हाँ. आप मुझे बताइए स्लिम एंड फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए. हाँ. आपके हिसाब से इन तीनों में से. हाँ. जिम जाना चाहिए. हाँ. या अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेना चाहिए, या रनिंग रनिंग एंड रनिंग रनिंग, मतलब भागा दौड़ी करेंगे तो फिट रहेंगे. वैसे हाँ. आंटी आपको बताऊं क्या? हाँ बताओ. मैं बैडमिंटन खेलती हूँ. हाँ. तो बैडमिंटन से पहले मैं रनिंग करती हूँ वार्म अप के लिए, फिर मैं खेलती हूँ खेल बैडमिंटन. हाँ तो मैं छोड़ो बैडमिंटन, बैडमिंटन करती रहती हूँ हमेशा. हम बताते हैं तुम्हें, हमारे बगल में एक अभी शादीशुदा दंपत्ति आए हैं, वो घर पे ही जिमिंग करते हैं. बताएं तुम्हें, उनके घर में जिम है? अरे नहीं, देखो हमें बहुत आवाज आती है एकदम भागने की, धर 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 पैरों की, भागने की, धर 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 रनिंग करते हैं. उसके बाद एकदम तुरंत जिमिंग करते हैं क्योंकि हमें उनकी आवाजें सुनाई दे जाती है. उनकी कान, मतलब दीवार पे कान लगा के खड़ी रहती है? नहीं नहीं, उनकी आवाजें आती है जैसे तब तुम जिमिंग करती हो. तुम नहीं सुन, ऐसी आवाज. जनता का जवाब आ चुका है, स्टॉप इट. जनता काफी क्लियरली कह रही है कि जिम जाने से ही आप स्लिम एंड फिट रह सकते हैं. तो रेगुलरली जिम जाइए, जैसा भी जिम आपको पसंद हो, आउटडोर जिम या इनके पड़ोसी की तरह इंडोर जिम. हमें लग रहा है कि तुम्हें भी, तुम क्यों बाहर जाती हो ये कब करने, तुम घर पे जिमिंग किया करो इन लोगों की तरह. आंटी बाहर की हवा में करना अच्छा होता है, और वैसे भी ऐसी जिमिंग के लिए कंपनी चाहिए होती है. तो तुम उनको कह देंगे, तुम उन दोनों का गैंग ज्वाइन कर लेना, है ना, तुम साथ में रनिंग करना, वो जिमिंग करना. आई विल एक्सप्लेन लेटर. 1959 लोगों ने यूज कर ली है अपनी लाइफ, 16,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं हमें इंडिया की सोच. क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है. आप मुझे बताइए कि कपल्स, प्रेमी जोड़े जो होते हैं, वो अक्सर इन तीनों में से किस कारण की वजह से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं? हाउस वर्क को लेकर, तुम काम करो नहीं तुम काम करो, या इन लॉज को लेकर, या राजनीतिक मुद्दे जब वो पिक करते हैं तो उनकी वजह से, मतलब दरार हो जाती है. हाँ पर हम बताएं, जो पहला ऑप्शन है हाउस वर्क वाला, ये हमारे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती. हमने एकदम वो कहते कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है बिटवीन आपका और आपका हस्बैंड. हाँ हाँ, देखो तुम्हें बताएं, ये कपड़े धोना, कपड़े उठाना उनका काम, ठीक है, बर्तन धोना, बर्तन साफ करना उनके काम, ये घर का सामान लाना और ले जाना उनका काम, सब उनका काम. तो इक्वल डिविजन में आप क्या करती हैं? हम उनको एकदम सुपरविजन करते हैं, एकदम सुपरवाइज करते हैं उन्हें. सुपरवाइजन करती हैं? हाँ, देखो एक बार बताएं, उनका ना प्लेट एक दिन चिकनी रह गई, तो हमने कहा तुम्हें 0 नंबर. अब नंबर भी देती हैं? तो
यही होता है सुपरवाइजर, यही होता है, तुम्हें कुछ पता नहीं, आंसर बताओ। आपके हस्बैंड बहुत लकी है, जनता का जवाब आ चुका है और वो कहते हैं कि घर के काम को लेकर ही अक्सर हो जाता है झगड़ा। देखा, पुष्पा आंटी का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। हाँ एकदम, क्या क्या हमने बोले तुम्हें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बिल्कुल। वैसे आपकी इन-लॉज के साथ हमारी सास जब भी आती है हम उन्हें गुप्ता इनके घर ठहरा देते हैं। सास तो आपकी है तो तुम्हें क्या लेना देना, अपना काम करो ना आगे, हम किसी का भी रुपए। मैं तो बस ऐसी पूछ रही थी। 1008 लोगों ने लाइफ यूज कर लिए, वापस आ चुके गेम में, 16,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हमारे साथ। बता रहे हैं इंडिया की सोच। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन सा त्योहार है या कौन सा डे है जिस पर लड़के लड़कियों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। वैलेंटाइंस डे, प्यार का दिन, विमेंस डे, या रक्षाबंधन। जो पहला ऑप्शन है ना, वैलेंटाइन डे पे भी हमें बहुत अच्छा लगता है ये दिन, बताए तुम्हें। आपको वैलेंटाइन डे, हम बहुत बिजी रहते हैं इस दिन पर। आपके हस्बैंड कुछ स्पेशल करते हैं? अरे छोड़ा, हम बताएं, इतनी रानक रहती है हर जगह, बंटी की दुकान पे, मार्केट में, फूल वाले को वैसे कोई घास नहीं देता, उस दिन कहते हैं अंकल रोज दे दो अंकल, और जो जो पार्क में बैठा होता है ना कपल, उन सबकी शादी करा देते हैं जाके हम एकदम से। आपको क्या शौक है तैयबली बनने का? तैयबली प्यार का दुश्मन। अरे हम शादी कर, उनके मम्मी पापा को फोन करते हैं, हम कहते हैं देखो या तो दूल्हे का सेहरा ले आओ या राखी ले आओ, शादी नहीं करेंगे तो राखी बनवा देंगे तुरंत। व्हाई व्हाई डू यू डू दिस पुष्पा आंटी? जनता का जवाब आ चुका है, वो कहते हैं कि वो त्योहार है रक्षाबंधन जब लड़के लड़कियों को अवॉइड करते हैं कि आज हम घर से नहीं निकलेंगे यार। अच्छा। ऐसा थोड़ी करते हैं। ये वुमेन डे जो है, वुमेन डे इस पे हम मोर्चा निकालते हैं क्योंकि हम एकदम सशक्त इंडिपेंडेंट हैं, हम एकदम निकालते हैं कि जिसके भी घर चाकीदार नहीं है वो हमें रख लो, अपना चाकीदारी करें। यही चाहिए ना लोगों को कि आप उनके घर के बाहर ही पहुंच जाओ बस, है ना, यही चाहिए। क्या कर रहे हैं अभी, हेलो बोल रही थी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है अब आपकी स्क्रीन पर, 15,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। अब चलिए सेलिब्रिटी कपल्स जो है, आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन से सेलिब्रिटी कपल्स हैं जो ब्रेकअप कर चुके हैं लेकिन आप उनको फिर से एक साथ देखना चाहते हैं। ऋतिक या सुजैन, मलाइका एंड अरबाज खान या सलमान एंड कटरीना। आई लाइक देम ऑल। इनका छोड़ो विधि, तुम अपना बताओ कोई ऐसा जिसके साथ तुम एकदम वापस जाना चाहोगी। अरे पर्सनल मत तो ये ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारे भविष्य की बात करते हैं, हम तुम्हारे लिए एकदम सुशील गर्व गौरव प्रतीक ढूंढेंगे लड़का। इतने सारे लड़के मेरे फ्यूचर में, यही है तुम्हारी, हम ऐसे ढूंढेंगे जो सुशील हो, जिसपे हमें गर्व हो, जिसका गौरव अच्छा हो, प्रतीक परिवार का प्रतीक हो। हाँ अभी एकदम फोटो दिखाएं, नहीं फोटो दिखाओ, इन्हें फोटो दिखाओ, लड़का ढूंढना है तुम्हारे लिए, फोटो दिखाओ, ये देखो लड़का का है आंटी, इसकी आंखों में तेज है, आंखों में तेज है आंटी, इसकी आंखों में तेज है, आपके कानों के बीच कुछ नहीं है, खाली है। जनता का जवाब आ चुका है, जनता कहती है कि वो बस सलमान और कटरीना को एक साथ फिर से देखना चाहेंगे। क्या बात है, हम तो गाना भी रेडी कर गए इनके लिए, गाए इसमें, गाने में तुम भी हो, ठीक है सुनोगी, सुनोगी, सुना रहे, दिल दिया गल्ला तुम्हारी शादी में करेंगे हल्ला, सब गाइए आप भी गाइए, दिल दिया गल्ला, रोक दीजिए सब, आप भी गाइए, सब दिया गल्ला। 90 लोगों ने लाइक यूज कर लिए, स्टॉप इट आंटी। 14,000 से ज्यादा लोग इस समय जुड़े हुए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन में आप सबसे ज्यादा अजीब ऑकवर्ड महसूस करते हैं क्योंकि अब तो गड़बड़ हो गई। जब आपकी मम्मी आपके प्रोटेक्शन यानी कि आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स को ढूंढ लेती है, या फिर अगर आप ड्रंक डायल कर देते हैं अपने एक्स को, या फिर अगर आपका कोई दोस्त आपका फोन यूज कर ले। ये दूसरा ऑप्शन क्या है, ड्रंक डायलिंग एग, एग अंडे को फोन करते हैं, हम ड्रंक हो गए अंडे भिजवा दो ऐसे। आंटी एक्स एक्स एक्स, अच्छा वो हम साथ साथ है वाला, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, स्टॉप इट, नो वाई जेड, हो गया पूर्व प्रेमी की बात हो रही है, एक्स यानी कि पूर्व प्रेमी को ड्रंक एंड टिप्सी होके कॉल करना। ये तो हम कितनी बार ऐसे लोगों को फोन करके अनशन कह देते हैं, हम दूसरे दिन फोन करके सारी कह देते हैं, फिर उन्हें इसमें क्या है। आप कभी भी किसी को कॉल करके नाप सुना बोल देती हैं, फिर हम सारी कह देते हैं, हम इतने बुरे नहीं है। जनता ने जवाब भेज दिया है, कहते हैं कि सबसे ऑकवर्ड होता है जब मम्मी प्रोटेक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव पकड़ लेती है। वैसे मम्मी को तो प्राउड होना चाहिए कि बच्चे प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, क्यों आंटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम, ये पॉपुलेशन कम करने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा तो यस, तो आगे बढ़ते हैं अब गेम में। 399 लोगों ने यूज कर ली है लाइफ, 14,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हमारे साथ। इंडिया की सोच बता रहे हैं, ऐसी टैप टैप करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर अब आ चुके हैं हम, सच्ची सच्ची बताइए कि लोग जो है वो सैलून क्यों जाते हैं,
क्योंकि उनको लेटेस्ट गॉसिप सुननी होती है पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, रीटा मीना के घर में क्या हुआ, या बस अपनी दाढ़ी बनवाने जाते हैं। हम दाढ़ी क्यों बनवाएंगे अपने? लड़के बनवाएंगे ना लड़के। अच्छा हाँ, या हेयर कट करवाने जाते हैं। अच्छा देखो तुम्हें बताएं, जो पहला ऑप्शन है ना गास, ये हम बिल्कुल नहीं करते गॉसिप, हम बिल्कुल भी नहीं करते। आप नहीं करती? मैं नहीं करती गॉसिप, बिल्कुल नहीं करती। अरे नहीं कह तो रहे नहीं करते नहीं करते। देखो देखो नहीं करती। अरे ये पार्लर जो है ये हम जाते हैं जया का पार्लर, वो खुद है उसके ओनर है उसकी, ठीक है। अच्छा। हम जाते ही वहां पहुंच जाए, हम बता रहे कि हम गॉसिप नहीं करते, ठीक है। हम पहुंच जाते हैं एकदम से, हम देखते हैं अनिका आई है और कह रही है आंटी बिकिनी वैक्स कर दो पिछले वाली जैसी। हमने कहा हाँ इतनी बार करा चुकी है। और सुनो जया का हमें पता है, जया का ये गुप्तायन का जो हस्बैंड है वो पंजाब गया हुआ, ठीक है। गुप्तायन आके कहती हमें रेडी कर दो, हमें अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर जाना है। और पति पंजाब में? हाँ यही तो कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, बताया किसी को नहीं बताया ना। जनता का जवाब आ चुका है, वो जान ले पहले। हाँ, आजी जनता काफी क्लियरली कह रही है कि सलोन जाते हैं हेयर कट करवाने के लिए। सिंपल सी बात है, आप भी जाती है गॉसिप पकड़ने के लिए। हमने गॉसिप बताई किसी को? देखो बताओ, जब गुप्तायन ने कहा ना कि हम अपने पति के साथ जा रहे हैं, हमने तुरंत गुप्ता जी को मैसेज कर दिया, और जी किधर है डिनर आज। किसी की खुशी आपसे देखी नहीं जाती, ना अनिका की ना गुप्तायन की, खुश मत रहने देना किसी को। क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग पर पहुंच चुके हैं। 13,000 से ज्यादा लोग हमें बता रहे हैं इंडिया की सोर्स, थैंक यू। अब आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जो बिना दाढ़ी के मूछे बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से पुल ऑफ कर लेते हैं? अनिल कपूर, मूछे हो तो कपूर साहब जैसी, ऐसे बच्चन साहब की भी काफी अच्छी मूछे हैं, या आमिर खान, इन तीनों में से कौन बेस्ट लगते हैं मूछों में? अच्छा विधि बताएं, थोड़ा सरवार है ये आमिर खान, हमें बहुत अच्छा लगता है एकदम बचपन से ही, ठीक है। अभी जैसे जैसे मूछे अपने करवाता था, हम इनसे कहते थे तुम भी वैसे मूछे करवा लो। हां तो मंगल पांडे के समय हमने कहा तुम भी ऐसी मूछे करवा लो, उन्होंने ऐसी मूछे करवा ली। फिर तलाक के समय छोटी करवा ली, इस दंगल के समय हमने उनकी मूछे एकदम मुड़वा दी। हमने कहा कभी अपने हस्बैंड से पूछा है कि वो क्या करना चाहते हैं जिंदगी में? हाँ वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं, क्या? सच अ ब्रिलियंट लकी मैन, जनता ने भेज दिया था जवाब। कहते हैं कि मूछे हो तो कपूर साहब, अनिल कपूर जो है वो बेस्ट लगते हैं मूछों में। अरे अभी ये बाल दिवस आया था ना उस दिन, बहुत सारे लोगों ने हमें अनिल कपूर की पिक्चर भेजी कि बाल दिवस मुबारक हो, हमें समझ नहीं आया क्यों। अरे क्योंकि अनिल कपूर बाल, मतलब हाँ क्या मतलब हमें समझ नहीं आया। अरे आप अनिल कपूर की पुरानी पिक्चर नहीं देखी आपने आंटी? कान सी वाली हमने देखी। कोई नहीं आंटी छोड़ो, अनिल कपूर बाल दिवस 199 लोगों ने यूज कर ली है लाइफ। वेलकम बैक टू द गेम, बहुत सही मूव किया आपने। आखिरी सवाल पर आ गए हम, और 12,000 से ज्यादा लोग इस समय मेजोरिटी डिफाइन करेंगे, क्या बात है। आप डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ओपिनियन दे देना। आखिरी सवाल, जो इरिटेटिंग रिलेटिव्स होते हैं ना, तो उनसे छुटकारा पाने का बेस्ट तरीका आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सा है? उनको घर के काम सौंप दो, अब आई गए हो तो ये भी कर दो ये भी कर दो, या अपने घर में एक अनोइंग सा पालतू जानवर रख लो, या भीषण गंदा खाना बनाओ। अच्छा मिथी तुम्हें आंटी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इरिटेटिंग रिलेटिव तो आप ही है, तो लोग आपके साथ क्या करते हैं? ये पहली बात तुम्हारी सही नहीं है, हम दूसरे का जवाब देते हैं। ये देखो ये जो है दूसरा ऑप्शन, ये हम बता रहे हैं तुम्हें, जिन जिन के भी घर हम जाना चाहते हैं ना, सबने कुछ कुछ रखा हुआ है अपने घर पालतू, किसने कुत्ता, किसने बिल्ली, किसने चूहा, किसने चिड़िया, सबने कुछ कुछ, मतलब आपके उनके घर पहली बार जाने के बाद उन्होंने जानवर रख लिया। हाँ सही कह रही हो, तो इशारा समझ आया आपको? इशारा तुमने क्या किया, इशारा तो ऐसे होता है, ऐसे होता है सारा। ये क्या इशारा? समझदार को इशारा काफी होता है, समझदार को। जनता का जवाब आ चुका है, कहते हैं कि जब इरिटेटिंग रिलेटिव से छुटकारा पाना हो तो खाना गंदा बनाओ। अच्छा। वैसे काफी लोग ये भी कहते हैं कि उनको घर का काम सौंप दो, लेकिन विनिंग आंसर इज खाना गंदा बनाओ। आंटी तो इरिटेटिंग रिलेटिव अब आप बन चुकी हैं, मुझे ये बताओ जब आपके घर लोग आते हैं तो आप क्या करती हो? हमारे घर जब आता है तो हम कुछ नहीं करते, हमारी जब सास आती है तो उसको जया के घर रुकवा देते हैं, नाना दादी है उसको गुप्तायन के घर रुकवा देते हैं, सबको अलग अलग। अपने परिवार के रिश्तेदारों को आप दूसरों के घर? हाँ। इसे तुम्हें क्या लेना देना, अपना काम करो ना। 371 लोग जीत चुके हैं आज पोलबाजी का खेल, कांग्रेचुलेशंस आपके लिए। बल्ली बल्ली शवा शवा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या करा जाए, तो अपनी फोटो हमारे हमारे
सोशल मीडिया पे भेजिए @PollBaazi Now फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह हम मौजूद है। 26 रुपए जीत गए अंकुर, दिव्या, नवीन, दिव्यांशु को आशीर्वाद, नवीन, ललित, इरशाद को आशीर्वाद, नीलू को आशीर्वाद, क्रिस को। तुम पसंद करती हो उनमें से किसी को? आंटी मैं सबको पसंद करती हूँ क्योंकि सबने गेम खेला है, अपना ओपिनियन दिया है। आई लाइक यू ऑल। जो जो जीते हैं मैसेज कर देना, कॉफी के प्लान बना लेंगे फिर। काफी काफी तुम क्या है तुम्हारी काफी। अगर आप सोच रहे कल का मिलेगा आपको मौका बाजी नाव पर पैसे जीतने का, तो इट्स द वीकेंड यार। 4:30 बजे खेलेगा बिंगो बाजी, 8:30 बजे खेलेगा ब्रेन बाजी, और 9:00 बजे पोल बाजी विल बी बैक। चलो विधि आप तुम हमारे साथ चलो। आज तुम्हारे लिए काम रखा है हमने, मेरे लिए काम रखा है। वो जो बगल में दंपतियां हैं शादीशुदा, उनसे 7 माइल रनिंग करवाएंगे। नहीं चलो चलो जल्दी चलो। इट्स अ सैटरडे नाइट आंटी। I have a life, bye। अरे हम लाइफ ही कर रहे हैं तुम्हारी, बढ़िया चलो।